यहीं से रूपा जी, अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों में आपको क्या लगता है, सरसों में अभी कैसा रुझान रहने वाला है? देख रहे हैं कि बम्पर आवकें हैं, बम्पर उत्पादन है, उसके बावजूद भी जो प्राइजेस हैं ठीक ठाक बने हुए हैं, तो क्या अभी कीमतों में और तेजी आनी बाकी है जिस हिसाब से सीपीओ पर बैन लगा है? देखिए बिल्कुल, खाद्य तेलों में अभी तेजी का ही रुझान है और सरसों के अंदर भी आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे। सरसों के साथ साथ आप देखेंगे सोयाबीन में भी अब तक मोमेंटम आएगा और सीपीओ में ऑलरेडी हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर है और अभी भी आगे चलकर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुझान है क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और अब टेक्निकली भी लग रहा है कि एक बार मार्केट जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,